हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल दीप्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एगलेस स्ट्रॉबेरी केक की स्पॉन्ज रेसिपी और डेकोरेशन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे केक मोल्ड लिया है और उसके अंदर मैं लगा रही हूँ बटर पेपर। ऑयलिंग करने के बाद मैंने पेपर को काट लिया है, जैसा मेरा मोल्ड है उसी शेप में ही मैंने पेपर काट के यहाँ पर ऑयलिंग करने के बाद बटर पेपर को मैंने मोल्ड में लगा लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क, हाफ कप लिया है मैंने, ये रूम टेम्परेचर पे लिया है मिल्क को मैंने। साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, ये विदाउट फ्लेवर ऑयल है, ये मैं 4 टेबलस्पून डालूँगी। वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, पाउडर्ड शुगर 3/4 कप, इसको भी मैं साथ में ही इसमें डाल दूंगी। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें जाएगा ऑल पर्पस फ्लोर मैदा 1 कप जाएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून। यहाँ पे अगर लेमन जूस नहीं डालना चाहते तो विनेगर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे लेमन जूस डाला है। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो मिक्स करेंगे उसकी डायरेक्शन एक ही रखेंगे, एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे। मैं बैटर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर बनने में, लेकिन ये जो है जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा और फ्लफ़ी बन के आएगा। जब हम केक बनाएंगे तो ये केक जो है काफ़ी स्मूथ और फ्लफ़ी बनेगा। बैटर में अब यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये केक जो है हमारा रेडी है बेक होने के लिए। अब हम इसको बेक करेंगे। बैटर को मैं केक मोल्ड में शिफ्ट कर रही हूँ, जिससे कि अब हम इसको बेक करेंगे। सारा का सारा जो बैटर है वो मैंने इसमें डाल दिया है। बेकिंग के लिए मैंने ली है कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी पानी।
पानी 2 ग्लास लिया है मैंने। आप कुकर में भी बेक कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक स्टैंड लगा दिया है जिससे कि थोड़ी हाइट रहेगी तो काफ़ी अच्छे से बेक हो जाएगा केक। इसको कवर करके हम बेक करेंगे। गैस पे बेक करने का टाइमिंग है 35 to 40 मिनट्स। 35 से 40 मिनट के अंदर ये बेक हो जाएगा। ये देखिए हमारा बेक होके आ गया है केक। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। केक को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। केक हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका जो एक्स्ट्रा है ऊपर उसको मैं निकाल लूँगी। बहुत ही ध्यान से करना है ये काम। ये मैंने इसको निकाल लिया है। ये भी यूज़ हो जाएगा। इसको मैंने साइड में रख दिया है। अब बाकी भी मैं पीसेस निकाल लूँगी। बहुत ही आराम से और ध्यान से करना है। थोड़ा सा ये भी एक्स्ट्रा है, इसको भी मैं निकाल रही हूँ। अब हम इसको काटेंगे। देखिए इसकी जो लेयर निकालेंगे वो बहुत ही आराम से निकालेंगे और किस तरह से हम नाइफ जो है उसको चलाते हुए करेंगे ये काम। देखिए किस तरह से निकालेंगे इसे। बहुत ही हल्के हाथ से करना है। बस इस तरह से ही ये हमारा जो है फर्स्ट लेयर जो है वो आ जाएगी निकल के। ये देखिए कितने अच्छे से और आराम से निकल के आ गई है। इसी तरह से हम दूसरी लेयर भी निकाल लेंगे। हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको नाइफ को चलाएंगे। और ये देखिए कितने आराम से ये इसकी दूसरी लेयर भी निकल गई है। ये मेरे पास रखा हुआ था, ये मैं इसे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इस पर मैं बहुत थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाऊंगी। यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम इसलिए लगाई जाती है जिससे जो हमारा केक है वो इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा। वो केक जो है वो मूव नहीं करेगा। ये देखिए अब मैंने इसको फर्स्ट लेयर यहाँ पे मैंने रख दी है। इसके ऊपर मैं डालूंगी शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैंने लिया है पानी और 1 टेबलस्पून मैंने ली है चीनी। उनको मैंने अच्छे से बॉईल करके इसका मैंने शुगर सिरप बनाया है। यही मैं अपने केक पे लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, उसे वहाँ से देख सकते हैं। केक पे अच्छे से इस पे मैं पूरे लेयर्स पे जो व्हिपिंग क्रीम है उसे स्प्रेड कर दूंगी। इसके ऊपर मैंने स्प्रेड किया है स्ट्रॉबेरी प्यूरी। इसको भी मैं बहुत ही हल्के हाथों से पूरे केक पे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी की रेसिपी आपको स्ट्रॉबेरी केक वाले वीडियो में मिल जाएगी। उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ
स्ट्रॉबेरी पीसेस, इनको मैंने स्ट्रॉबेरी को छोटा छोटा काटा है और इसी को मैं ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। ऐसा ही मैं सभी लेयर्स में लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉबेरी के दो पीसेस करके उनको भी मैं यहाँ पे डेकोरेशन में यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पे जो है वो मैं स्ट्रॉबेरी लगा दूँगी। स्ट्रॉबेरी के जो मैंने छोटे टुकड़े करे थे उनको भी मैंने डेकोरेशन में यूज़ किया है और साथ ही मैंने पूरी स्ट्रॉबेरी जो है उसको ऊपर डेकोरेट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।